बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारे इवेंट मूवीज और पार्टीज में इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं कि उनके कपड़ों को देख हम भी सोचते हैं कि काश उनके जैसे कपड़े हमारे पास भी होते। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पैसों के चक्कर में अच्छे कपड़े पहनने वाले उनमें से ज्यादातर स्टार्स ने अपना फैशन सेंस ही खराब कर लिया है। उन सभी ने पैसों के लिए ऐसे कपड़े पहन लिए जिसके बारे में आप सोचकर काफी ज्यादा हैरान रह जाएंगे। कपड़ों के नाम पर उन स्टार्स ने कुछ भी पहन लिया, किसी ने पन्नी पहन ली तो किसी ने गुब्बारे जैसी ड्रेस पहन ली, जिन्हें पहनने के बाद वे सभी ट्रोल हुए थे। पर उन सभी को उन सब चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उन अतरंगी ड्रेस को पहनने के लिए उन्हें एक मोटी रकम जो मिली थी। तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के 10 ऐसी ही कलाकारों से रूबरू कराने वाले हैं जिन्होंने पैसों के लिए कुछ भी पहन लिया था। तो फिर आइए जानते हैं कौन से हैं वो सितारे। नंबर 1, रणवीर सिंह। रणवीर सिंह तो अपने अतरंगी कपड़ों के लिए मीडिया में चर्चा का विषय बने रहते हैं, पर किसी को क्या पता कि इन्हें उन अतरंगी कपड़ों को पहनने के लिए कितने पैसे मिलते हैं। आपको याद है जब उन्होंने कुर्ते के नीचे लहंगा पहना था, उसके बाद ये कितना ट्रोल हुए थे। पर आपको बता दें कि उस ड्रेस को पहनने के लिए इन्हें 1 करोड़ रुपए दिए गए थे। नंबर 2, प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा भी रणवीर की बहन है, पैसों के लिए ये कुछ भी पहन लेती हैं। आपको बता दें कि इन्होंने जो वो रेड कारपेट पर ड्रेस पहना था जिसमें इन्होंने अपने बालों का घोंसला बनाया था, वही ड्रेस और उसके बाद ये ग्रीन कलर के बलून ड्रेस में पहनी नजर आई थी। उन्होंने वो ड्रेस यूं ही नहीं पहनी थी, उन्हें उसके लिए एक मोटी रकम दी गई थी। नंबर 3, सोनम कपूर। सोनम कपूर अक्सर अपने स्टाइलिश फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं, पर इन्होंने भी पैसों के नाम पर अपना फैशन सेंस खराब कर लिया था। इन्होंने एक बार ब्राउन कलर का ब्लेजर सूट पहना था जो काफी ओल्ड स्टाइल का ढीला ढाला सूट था, जिसे पहनने के बाद इनकी काफी खिल्ली उड़ी थी। नंबर 4, ऐश्वर्या राय। जी हाँ, ऐश्वर्या राय भी पैसों के लिए कुछ भी पहन चुकी है। आपको याद है इन्होंने जो कांस फिल्म फेस्टिवल में गोल्ड कलर का मरेड ड्रेस पहना था जिसमें इनकी सुंदरता ने भी इनका कोई साथ नहीं दिया, इसलिए तो ये बहुत गंदी लग रही थी उस ड्रेस में। पर आपको बता दें कि उन्हें इस ड्रेस को पहनने के लिए करीब 2 करोड़ रुपए दिए गए थे। नंबर 5, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार आज भले ही काफी अमीर हो और अच्छे कपड़े पहनते हो, पर एक वक्त जब इनके पास पैसे नहीं थे, जब इन्होंने पैसे के लिए एक फोटोशूट किया था जिसमें इन्होंने ट्रांसपेरेंट टी शर्ट कैरी की थी जिसमें इनके चेस्ट के बाल साफ दिख रहे थे और उस टी शर्ट पर उनके हाफ डंगरी पहना था। आपको बता दें कि इस ड्रेस को पहनने के लिए इन्हें इस वक्त में 50,000 रुपए दिए गए थे। नंबर 6, संजय दत्त। इस लिस्ट में संजय दत्त का नाम भी शामिल है। शायद ही आप लोग जानते होंगे कि इन्होंने पैसों के लिए भिखारी जैसे फटे हुए कपड़े भी पहने थे। इन्होंने एक फोटोशूट में फटी हुई सफेद बनियान और फटी हुई डेनिम कैरी की थी जिसके लिए इन्हें बड़ी रकम मिली थी। नंबर 7, माधुरी दीक्षित। 90 के दशक के सुपरस्टार माधुरी दीक्षित ने पैसों के लिए एक अतरंगी ड्रेस पहनी थी, पीली कलर की ड्रेस जिस पर गुलाबों को अजीब तरह से लगाया गया था और उसके चारों ओर अजीब ढंग से डिजाइन किए गए थे पत्ते। इस ड्रेस के साथ उन्होंने दस्ताने पहने थे। सच में ये ड्रेस में बेहद ही वियर्ड लग रही थी, लेकिन उन्हें इसके लिए 2 लाख रुपए दिए गए थे। नंबर 8, काजोल। काजोल ने एक इवेंट में रेशम की एक ड्रेस कैरी की थी जो इनके स्किन टोन से भी ज्यादा डार्क थी। साथ ही इनकी ड्रेस पर काफी अजीब तरह की डिजाइनिंग की गई थी जिसकी वजह से ये बेहद ही खराब लग रही थी, लेकिन इस ड्रेस को कैरी करने के लिए इन्हें 5 लाख रुपए दिए गए थे। नंबर 9, शाहरुख खान। शाहरुख खान ने पैसों के लिए डुप्लीकेट फिल्म में लड़कियों की ड्रेस कैरी की थी और इस ब्लैक ड्रेस में ये काफी गंदे लग रहे थे। इतना ही नहीं, बाद में इन्होंने एक अवार्ड इवेंट में श्रीदेवी की ड्रेस पहनी थी जो उन्होंने नैनो में सपने गाने में पहनी थी और उस ड्रेस को पहनकर इन्होंने डांस भी किया था। मगर क्या आप जानते हैं, उस ड्रेस को पहनने के लिए इन्हें 104 लाख रुपए दिए गए थे। नंबर 10, जूही चावला। जूही चावला ने 90 के दशक में गोविंदा के साथ एक फोटोशूट में एल्युमिनियम पन्नी के कपड़े पहने थे जो कि शॉर्ट ड्रेस थी। पिंक पन्नी से इनके लिए एक शॉर्ट ड्रेस बनाई गई थी जिसमें बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी, पर इन्होंने इसको पैसों के लिए पहना था और इन्हें इस ड्रेस के लिए 20 लाख रुपए दिए गए थे। दोस्तों, आपको इनमें से एक स्टार का आउटफिट सबसे ज्यादा बकवास लगा? आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।